दोस्तों, मैं साथी आपका डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी। और ट्रिग्नोमेट्री में आज ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट। आप एक बार सीख गए कभी भी नहीं भूलेंगे, आप अपने दोस्तों को बताएंगे और मेरी बात आप याद रखें। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बोला था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये जो मंत्र था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये मंत्र आपको याद होगा। ऐड का मतलब है इसमें सारे पॉजिटिव हैं, इसमें साइन पॉजिटिव है, इसमें टेन पॉजिटिव है, इसमें कॉस पॉजिटिव है। ये आपको मैंने मंत्र सिखाया था और इनके बेसिस पे आज हम जानने चाहते हैं कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, इस तरह की बातें। ऐसा कि ऐसा हम कॉस के लिए करेंगे, ऐसा कि ऐसा हम टेन के लिए, सेक के लिए, सबके लिए देखते हैं। आप साथ में बने रहेंगे और इसको लिख देता हूं मैं, साइन एन इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा। और फिर माइनस की भी बातें करेंगे, तो आप साथ में बने रहें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भूलते भी नहीं हो, आप होशियार बच्चे हो, मुझे मालूम होगा ये बात। तो ध्यान से सुनिए, जो 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स होते हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री कौन होते हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, एक तो होता है 270 डिग्री, 90 डिग्री खुद, क्योंकि ये क्या होता है, 90 डिग्री, 1 × 90 डिग्री। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री में नेचर नेचर चेंज होगा, चेंज होगा, नेचर विल बी चेंज्ड, ये ध्यान रखना। मतलब साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, टेन। चेंज का मतलब क्या है? चेंज का मतलब है, यहाँ चेंज से मतलब है प्लस माइनस होगा, ऐसा नहीं। साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में बदल जाएगा। टेन किस में बदल जाएगा? कॉट में बदल जाएगा। सेक किस में बदल जाएगा? कोसेक में बदल जाएगा। ये इसके चेंज की बात है। और जब इवन मल्टीपल होंगे, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो इवन, पहले आपको मैं बता दूं कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री कौन होगा। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा 90 डिग्री खुद, क्योंकि ये 1 × 90 डिग्री है। दूसरा कौन हो सकता है? 270 डिग्री हो सकता है। क्यों 270 डिग्री हो सकता है? क्योंकि ये 3 × 90 डिग्री होता है। फिर कौन हो सकता है? फिर हो सकता है 5 × 90 डिग्री, 5 × 90 डिग्री हो सकता है। तो 5 × 90 डिग्री कितना होता है? 450 डिग्री। ये सारे जो हैं ऑड मल्टीपल्स हैं। और कौन से हैं इसके और मल्टीपल? 7 × 90 डिग्री, इस तरीके से। तो अब इवन मल्टीपल कौन? अब देखो ध्यान से, जब आपके पास इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो नेचर विल रिमेन सेम, मीन्स साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस, टेन विल रिमेन टेन, कॉट विल रिमेन कॉट, इसका। और इवन 90 डिग्री किसको बोलेंगे? तो जीरो को भी, क्योंकि जीरो को क्या लिख सकते हो आप? 0 × 90 डिग्री, 180 डिग्री, क्यों? 180 डिग्री को क्या लिख सकते हो? 2 × 90 डिग्री। फिर कौन सा है आपका? 360 डिग्री है, क्यों? क्योंकि इसको क्या लिख सकते हो? 4 × 90 डिग्री। फिर कौन सा है आपका? 540 डिग्री, इस तरीके के। तो ये इवन मल्टीपल्स कहलाएंगे। तो ध्यान से सुन ली मेरी बात आपने, आपको दिमाग में क्या रखना है? ऑड मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90, इतनी बात आप अपने दिमाग में चढ़ा लो, फिर इसके बाद मैं आपको संभाल लूँगा। अब आप ध्यान से देखो, थीटा इस पूरी प्रोसेस में एक्यूट एंगल मानना है आपको। आप अपने दिमाग में ऐसा रखें कि थीटा कौन है? थीटा एक्यूट है। एक्यूट एंगल आपको मालूम होगा कि 0 और 90 के बीच में होता है, वो थीटा है। 0 और 90 डिग्री के बीच में है ना, 90 डिग्री, 90 नहीं बोलना, 90 डिग्री। तो अब ये देखिए, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो
आप ये देखें कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री क्रॉस करके कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? तो अभी कहाँ है? शुरू में, शुरू में तो सब यहीं रहते हैं, शुरू में सब यहाँ रहते हैं, और 90 कूद के कहाँ पहुंच गया? वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? प्लस है। साइन क्या है? प्लस है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस है और एक 90 है, इसलिए नेचर चेंज हो जाएगा। क्या नेचर हो जाएगा इसका? कॉस थीटा। पहले आप इसको निशान लगाना, सिग्नेचर साइन, और साइन किसका लगाना? जो पहुंचेगा। कौन पहुंचा? साइन पहुंचा। इधर देखो, साइन पहुंचा कौन से क्वाड्रेंट में? पहुंचा 180 डिग्री कूद के, तो यहाँ पे था 180 डिग्री कूद के यहाँ पहुंच गया। जब 180 डिग्री कूद के यहाँ पहुंच गया तो यहाँ पे साइन कैसा है? तो 10 को छोड़ के सब नेगेटिव है, 10 और कॉट को छोड़ के, तो ये नेगेटिव हो गए। और नेचर इसका चेंज होगा क्या? नहीं होगा चेंज, क्योंकि ये 2 × 90 डिग्री है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, इसलिए ये साइन थीटा ही रहेगा। अब अगर आपके पास यही चीज ऐसी हो, देखो ध्यान से देखना, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? साइन इस क्वाड्रेंट में चला गया। इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? इसमें कॉस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव है, और उसको छोड़ के सब नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव है। और कौन नेगेटिव है? ये जो गया, गया कौन? साइन गया। बनेगा क्या? तो ये 390 डिग्री है, ऑड 90 डिग्री है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, 3 × 90 डिग्री है, तो नेचर बदल जाएगा, कॉस बन जाएगा ये, है ना। नेचर का मतलब मैंने यहाँ लिखा है कि नेचर किसको कह रहे हैं अपन? वो साइन कॉस, कॉस साइन, 10 कॉट, कॉट 10, सेक कोसेक, कोसेक सेक। अब साइन 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन कहाँ आ जाएगा? 360 डिग्री वापस यहीं आ जाएगा। देखो ना, ये जीरो से चालू करेगा, 360 डिग्री किसके जैसा होता है? 360 डिग्री ही जीरो होता है, 360 डिग्री। ध्यान से सुनो, कौन जीरो होते हैं? ध्यान से सुन ले अपन एक बार, यहाँ पे समझ लेते हैं आप। ये देखिए जीरो, 360 डिग्री, फिर वापस से गए 720 डिग्री, फिर वापस से गए तो 1080, 1080 डिग्री, तो ये 360 डिग्री इज ऑलमोस्ट सेम एज जीरो। तो ये जीरो हो गया, तो साइन जीरो प्लस थीटा इज साइन थीटा। फिर भी मैं समझाता हूँ आपको, साइन कौन से क्वाड्रेंट में गया? फर्स्ट में, फर्स्ट में सब पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो जाएगा, और कितने 90 डिग्री इसमें? 490 डिग्री है, तो 490 डिग्री है, तो नेचर विल रिमेन सेम, तो विल रिमेन सेम। और मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ध्यान रखें कि 360 डिग्री और 0 डिग्री एक जैसे ही बिहेव करते हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे 0 डिग्री लिखा हुआ है तो साइन 0 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा। यहाँ पे 360 डिग्री, देखो ध्यान से, यहाँ कितने 360 डिग्री हैं? एक 360 डिग्री होगा वो 0, दूसरा 360 डिग्री वो 0, तीसरा 360 डिग्री, चौथा 360 डिग्री, पांचवा 360 डिग्री, तो कितने भी 360 डिग्री प्लस थीटा होगा वो क्या होगा? साइन थीटा होगा, क्योंकि ये 360 डिग्री 0 जैसा बिहेव करता है। और ऐसे समझेंगे अपन कि 490 डिग्री कूद के, 490 डिग्री, 190 डिग्री, 290 डिग्री, 390 डिग्री, 490 डिग्री क्रॉस करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव हुआ, और 490 डिग्री हैं तो इवन 90 डिग्री है, तो नेचर विल रिमेन सेम। अब ऐसा कि ऐसा काम हम कॉस के लिए करके देखते हैं, फिर हम माइनस के लिए करेंगे, फिर 10 के लिए भी देखेंगे, सब के लिए देखेंगे। आप मेरे साथ बने रहें, बने रहना जरूरी है। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस कौन से क्वाड्रेंट में गया? देखिए, कॉस गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन गया? दिमाग लगाओ दोस्तों, कॉस गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस गया, और कॉस साइन को छोड़ के सब नेगेटिव है, तो कॉस भी नेगेटिव है, और कितने 90 डिग्री? एक 90 डिग्री है, तो नेचर चेंज हो गया, क्या बन गया? ये माइनस साइन थीटा। क्लियर है क्या मेरी बात? फिर से समझे, कॉस गया, गया कौन? कॉस गया, तो कॉस गया सेकंड में, सेकंड में कॉस कैसा है? माइनस का है, तो माइनस हो गया, कितने 90? एक 90, तो नेचर चेंज हो गया। अब ध्यान से देखिए, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस कौन से क्वाड्रेंट में गया? थर्ड में गया, थर्ड में कॉस कैसा है? 10 को छोड़ के सब नेगेटिव, तो कॉस भी नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है,
कितने 90 डिग्री हैं, दो 90 डिग्री हैं, इवन 90 डिग्री है, नेचर विल रिमेन सेम कॉस थीटा। कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? कॉस कौन से क्वाड्रेंट में गया मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों? कॉस गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 डिग्री कूद के यहाँ पे आ गया, तो कॉस गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका कॉस कैसा है देख लो, कॉस प्लस का है, और कितने 90 डिग्री है इसमें, तीन 90 डिग्री हैं, ऑड 90 डिग्री, नेचर चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा। और कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, तो मेरी बात सुनो मेरे बच्चों, 360 डिग्री को मैंने तुम्हें बता दिया क्या हुआ। 360 डिग्री, 360 डिग्री बिहेव्स लाइक जीरो, तो जीरो डिग्री जैसा बिहेव करता है, इसलिए कॉस थीटा ही हो जाएगा। और अगर वैसे देखना हो आपको तो वैसे भी देखो कि कॉस 360 डिग्री कूद के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर सारे पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे प्लस आ गया। और कितने 90 डिग्री इसमें, 490 डिग्री हैं, तो 4 टाइम्स 90 डिग्री, तो नेचर विल रिमेन सेम। इसी तरीके से आप ये भी याद रखें, कॉस एन इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा इज कॉस थीटा। और वट इज एन, एन इज वॉट, एन एक इंटीजर है, एन बिलोंग्स टू जेड, एन एक इंटीजर है। ये था प्लस के बारे में। अब अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो फिर कोई घबराने की बात नहीं है, आप समझते हैं, अभी इसको भी समझते हैं। माइनस आ जाएगा तो क्या करेंगे हम, तो भी आप दिल से कोई बात निकाल दें कि आपको समझ में नहीं आएगी, अगर आपने यहाँ माइनस कर दिया तो देखें क्या होगा, ठीक है। देखिए, अगर आपके पास माइनस में है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आप इनको रब कर देते हैं और अब इसी में लिखेंगे आप साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन कौन से क्वाड्रेंट में है, ये आपको बहुत सारा लिख दिया तो मैं रब कर देता हूँ, फिर से इसको फ्रेश लिख देता हूँ ताकि आपको देखने में, समझने में दिक्कत नहीं हो। अब माइनस से डील कर रहे हैं हम, फिर हम टेन भी देखेंगे, सेक भी देखेंगे, आप मेरे साथ बने रहेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, आपका साथ रहना ज़रूरी है। ध्यान से देखिए, अगर आपके पास है 90 डिग्री माइनस थीटा एड ऑल सुगर साइन टू टेन कॉफी कॉस, आप ध्यान से देखो 90 डिग्री में से कुछ कम हो गया, 90 डिग्री में से कुछ कम हो गया तो आप कहाँ रह जाओगे, आप आगे नहीं जा पाओगे, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाओगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन सारी पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव है, एक 90 डिग्री है, नेचर चेंज हो गया इसका, कॉस थीटा हो गया। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है, साइन 180 डिग्री कहाँ है देखो, ये है साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री में से कुछ कम कर दिया, कम कर दिया तो साइन कौन से क्वाड्रेंट में है, साइन कौन से क्वाड्रेंट में है, साइन है इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, साइन इस क्वाड्रेंट में प्लस है, तो साइन इस क्वाड्रेंट में प्लस है तो ये प्लस रहेगा। ऑल एड सुगर टू कॉफी, साइन पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, और दो 90 डिग्री है इसके अंदर तो नेचर विल रिमेन सेम, ये साइन थीटा ही रहेगा। अब साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 270 देखिए, 270 में से कुछ कम हुआ, और कम कितना होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच की वैल्यू कोई कम हो जाएगी, तो ये वो इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, इस क्वाड्रेंट में रहेगा, तो इस क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और कितने साइन 90 है इसमें, इट कंटेन्स 390 डिग्री, तो 390 डिग्री है तो इसका नेचर बदल जाएगा। और मैंने आपको साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, देखो 360 डिग्री माइनस थीटा में आप यहाँ रहोगे, 360 में से कुछ कम हो जाएगा तो आप यहाँ हो जाओगे, यहाँ पर क्या है, कॉस को छोड़ के सब माइनस के हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और दोस्तों, माइनस का होने के साथ साथ इसका सिग्नेचर, सॉरी नेचर भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये 490 डिग्री है तो इट विल रिमेन साइन थीटा। ऐसा कि ऐसा काम आप कॉस के लिए करें, और मैं जो कर रहा हूँ उसको एक बार देखते चलें, बस आप करें, और मैं इसमें लिख रहा हूँ, आप अपने इस लॉजिक से इसको मिला लें कि जो मैंने लिखा है वो सही है, या जो आप समझ पाए वो सही है।
ये आपका आएगा साइन थीटा, ये आपका है प्लस साइन थीटा, ये आपका आएगा माइनस कॉस थीटा, ये आपका आएगा साइन थीटा, ये आपका आएगा कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, ये है माइनस है तो माइनस साइन थीटा आएगा, और ये आएगा आपका प्लस कॉस थीटा। तो इस तरीके से आप मिला सकते हैं कि आप सही हैं, जो मैंने लिखे हैं उनसे आपके मैच हो रहे हैं आंसर, नहीं तो फिर देखते हैं। आप मुझे लिख भेजिएगा, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9686980 56, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें, आप अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजें, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, आई प्रॉमिस यू। अब टेन का देखते हैं, टेन का देखिए, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, प्लस वाला आप कर रही है, माइनस का मैं लिखता हूँ, 90 डिग्री माइनस, तो टेन 90 डिग्री माइनस कौन से में होगा, पहले में, तो पॉजिटिव है, और एक 90 डिग्री है तो नेचर चेंज, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, यहाँ भी देख लो, वहाँ जाने की जरूरत नहीं, 180 में से कम हो गए, यहाँ पे रह गए सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन को छोड़ के सब माइनस है, टेन माइनस का कितने 90, 290, नेचर विल रिमेन से माइनस टेन थीटा, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, आप कौन से में रह जाओगे, थर्ड में, थर्ड में टेन कैसा है पॉजिटिव, तो ये प्लस हो गया, और नेचर चेंज क्यों, क्योंकि 390 डिग्री है, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में 360 से कम हो गए, यहाँ रह गए आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन है पॉजिटिव, कॉस को छोड़ के सब नेगेटिव, तो टेन भी नेगेटिव का है, और 490 डिग्री है तो ये टेन थीटा ही रहेगा, ये क्या रहेगा, इट विल रिमेन टेन थीटा। अब मैं आपको टेन के प्लस के भी लिख देता हूँ, आप आंसर अपने मिलाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपके आंसर जो है वो सही है कि नहीं है, या आपको प्रॉब्लम हो तो मैं एक बार और समझाऊंगा आपको। टेन 90 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, टेन 270 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, और टेन 360 डिग्री प्लस थीटा, ये आपके लिए सबसे सरल है लिखना, क्योंकि 360 डिग्री क्या होता है, 360 डिग्री जीरो जैसा ही बिहेव करता है, तो ये आपका टेन थीटा होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखी कि ये टेन की प्लस की और माइनस की भी निकाली, साइन की प्लस की माइनस की निकाली, कॉस की भी निकाली, एक मैं आपको सेक की बताता हूँ, कोसेक की आप खुद ही निकाल लेंगे, आप इतने होशियार हो चुके हो, सेक में अगर लिखा हो 90 डिग्री प्लस थीटा तो सेक कौन से क्वाड्रेंट में चला गया है, सेक चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस है, साइन प्लस है, साइन प्लस है तो इसका मतलब कोसेक प्लस है, साइन प्लस है मतलब कोसेक प्लस है, तो सेक क्या है, सेक है माइनस का, क्योंकि साइन और कोसेक ही प्लस के हैं, सेक माइनस का है और इसका नेचर बदल जाएगा 190 के कारण, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, सेक गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन प्लस है, कॉट प्लस है, टेन प्लस है और कॉट प्लस है, बाकी सब माइनस है, तो ये माइनस हो गया, और 290 है इसमें, 290 डिग्री है तो इसलिए इसका नेचर नहीं बदलेगा, विल रिमेन सेक थीटा, सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, सेक गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लो कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी क्या होगा पॉजिटिव, पर 390 डिग्री है तो नेचर इसका चेंज होगा, निशान इसका लगेगा, सिग्नेचर याद रखो, सिग्नेचर किनका लगता है, जो जाता है उसका लगता है, जो जाता है उसका लगता है, रिजल्ट बाद में आता है, पहले साइन लगता है, सेक 360 डिग्री प्लस थीटा, सेक 360 डिग्री प्लस थीटा, तो इसको जीरो मान लोगे तो ये किसके जैसा हो जाएगा, सेक थीटा के जैसे ही हो जाएगा। अब इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको वो समझनी ज़रूरी है,
आप और ये जो केसेस हैं आपके, आप अपनी बुक से भी मिला सकोगे, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा और सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, इनकी वैल्यू मैं लिख देता हूं, आप वेरीफाई कर लेना। ये मैंने लिख दी है आपको वैल्यूज, कॉस हमारा नेगेटिव, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये यहाँ पे आएगा माइनस सेक थीटा, ठीक है। तो ये आपने देख ली, ये वैल्यूज आप वेरीफाई कर लीजिएगा आपकी, और जैसा सेक के लिए किया है मैंने वैसा आप कोसेक के लिए करें और देखें और मुझे लिख बताएं कि आपको आ गया है, ठीक है। अब आप एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बिल्कुल उसको बहुत ध्यान से सुनिए। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होगा, टेन ऑफ माइनस थीटा कितना होगा। अब हम इन पर डिस्कशन करना है, इनके बारे में बात करेंगे कि ये वैल्यूज क्या होने वाली है। तो आओ इनको समझते हैं और इसके बाद आप इसको दिमाग में रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है तीनों, और तीनों ही आप दिमाग में रखेंगे ऐसा मैं सोचता हूँ। देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा को आप लिख सकते हैं साइन ऑफ जीरो इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जीरो इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा कहाँ पे जाएंगे आप, देखो 190 डिग्री होता तो आगे जाते, 090 डिग्री तो इसका मतलब आप यही हो, और माइनस का थीटा हो गया तो आप ये यहाँ आ चुके हो, कौन से क्वाड्रेंट में आ चुके हो आप, आप ये वाली वैल्यूज माइनस थीटा की वैल्यूज फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई है, कौन से क्वाड्रेंट में, क्योंकि अगर आपके पास 90 डिग्री प्लस थीटा लिखा रहता है तो आप आगे बढ़ते हो इधर की तरफ, 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा रहे तो आप यहाँ रहते हो, पर ये लिखा है 0 इंटू 90 डिग्री मतलब यहीं पे हैं आप, 0 इंटू 90 डिग्री मतलब यहाँ है और माइनस थीटा और पीछे आ गया, तो और पीछे आ गए तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने देखा है ऑल एड सुगर, ऑल पॉजिटिव, एड सुगर टी टू कॉफ़ी, तो कॉफ़ी मतलब कॉस क्या है उस केस में पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव थे नेगेटिव है। और 0-90 डिग्री क्या होता है, इवन 90 डिग्री हुआ ना, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो इसका नेचर नहीं बदलेगा, क्लियर है। अब ऐसा कि ऐसा आप कॉस के लिए देख लो, कॉस माइनस थीटा तो ये हो जाएगा आपका कॉस 0 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस है, कॉस प्लस है और क्या 90 है, इवन 90 है ये भी, तो इसका भी नेचर नहीं बदलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया आपके पास दोस्तों, याद रखना, कीप दिस इन माइंड, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट, साइन में माइनस बाहर आता है, कॉस में माइनस बाहर नहीं आता, खत्म हो जाता है। टेन ऑफ माइनस थीटा क्या है, टेन ऑफ माइनस थीटा तो टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है, माइनस का है, ऐसा कि ऐसा उसमें भी होगा और वो भी 0 इंटू 90 डिग्री होगा, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस थीटा, बिल्कुल ऐसा कि ऐसा 0 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का है और इवन 90 डिग्री है इसलिए वो क्या बन जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो 10 में माइनस बाहर आ जाएगा, 10 में माइनस बाहर आ जाएगा, साइन में माइनस बाहर आ जाएगा। अब साइन में माइनस बाहर आया है तो साइन का ही रेसिप्रोकल तो कौन है, कोसेक, तो कोसेक में भी माइनस बाहर आएगा, कॉस में माइनस बाहर नहीं आया है तो सेक ऑफ माइनस थीटा भी नहीं भेजेगा, क्योंकि कॉस और सेक का काम एक जैसा ही है, दोनों रेसिप्रोकल से और
दोनों का बिहेवियर एक जैसा है, और कॉट माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। तो याद रखना है, क्या याद रखोगे, ये बात याद रखोगे आप, ये बात अपने दिमाग में बिठाओगे कि कॉस को छोड़ के, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और सेक ऑफ माइनस थीटा सेक, कॉस और सेक में माइनस खत्म हो जाता है, बाकी सब में से माइनस बाहर आता है, इतना आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ सारे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हमने कर लिए, आप करके देखें, अपने दोस्तों को समझाएं, अपने साथियों को बताएं, अपने जूनियर्स को बताएं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के भरोसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ, और इसमें कोई हिडन इंटरेस्ट नहीं है, केवल नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन है, एट नो कॉस्ट, एट फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल। और जो डिप्राइव्ड हैं, जो लोग पीछे रह गए हैं, जिनको ये सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं, प्लीज़ उन तक जाने के लिए आपको शेयर करना ज़रूरी है। विश यू ऑल द बेस्ट।